आए दिनों अक्सर दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर घंटों घंटों जाम लगा रहता है। ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला नोएडा के उस इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, जहां पर लगभग हर वक्त बड़े वाहनों का आना और जाना लगा रहता है। वहां की सड़कों पर लोग दिन भर जाम से जूझते रहते हैं। ऐसे में यहाँ के आसपास के इलाके जहाँ व्यापार और कारखाने भी चलते हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब जिमसी न्यूज़ के रिपोर्टर सागर चले ये जानने के लिए कि आखिर इस जाम के कारण क्या है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये कोई फल इलाका ना है, ना कोई सब्जी की मंडी है, लेकिन यहाँ पर दिन भर और सड़क के किनारे देखिए किस तरह खुलेआम सब्जी और फलों की बिक्री होती है। सरकार की इस पर कोई नजर नहीं जाती और ना ही प्रशासन कोई रोक टोक लगाता है। देखिए, सड़क के चौराहों पर स्थित सभी ट्रैफिक लाइटें लगभग 1 महीने से बंद हुई पड़ी हैं। इस पर यहाँ पे जो ट्रैफिक के लोग हैं, देखिए उनकी भी नजर नहीं जाती। मैं इस समय मौजूद हूँ नोएडा सेक्टर 5 के हरौला गांव में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह सड़कों में जाम लग जाता है। ये रास्ता बनने का है, लेकिन जब मेरी बात हुई पुलिस के ट्रैफिक पुलिस से, तो उन्होंने बोला कि जब वो यहाँ पे खड़े रहते हैं तो वो मना करते हैं गाड़ियों को एक तरफ से जाने से। हर समय यहाँ पे पुलिस भी मौजूद नहीं रहती। आप देख सकते हैं शाम का 5 बजे से 7 बजे का समय ऑफिस का होता है, लेकिन सड़कों पे किस तरह से ठेले लगाए जाते हैं और पुलिस कोई भी इससे कार्रवाई नहीं करती है। मैं इस समय मौजूद हूँ एक रेडी वाले भैया के पास। ये बताएंगे कि जब यहाँ पर जाम लगने का कारण कहीं ना कहीं ये ठेले भी हैं, तो ये जाम को लेकर क्या कुछ करते हैं भैया? जब पुलिस प्रशासन आपसे बोलती है कि इन ठेलों को यहाँ ना लगाओ, तो आप क्या उसमें आप क्या अपना जवाब देते हैं? सुनवाई नहीं। आप ये ठेला कितने सालों से यहाँ पे लगा रहे हैं? कम से कम 20 साल से ज्यादा हो गया। 20 सालों से यहाँ पे ठेला लगा रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन ने इन्हें आज तक कोई जगह नहीं दी और ये इसी तरह सड़कों पे ठेला लगाते आए हैं। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में आपको जगह मिल सकता है या नहीं? कोई कोई नहीं है। तो कुल मिला के प्रशासन की तरफ से हर बार इनको ना का ही जवाब मिला, और कहीं ना कहीं इस जाम का कारण कहीं ना कहीं प्रशासन भी है, और थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा इन सभी रेडी वालों को भी कि ये कहीं खाली जगह में लगे। जब यहाँ पे जाम लग जाता है, तो आप जाम लगने के बाद आप इन क्या करते हैं? करते हैं जाम निकालने की। मेरे साथ यहाँ पे कुछ इस रोड पे आए जाने वाले युवक भी मौजूद हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। सर, आप इस रोड से हमेशा आप निकलते हैं, आपको किस तरह सामना करना पड़ता है? इस रोड पे बहुत दिक्कत होती है, ट्रैफिक जाम लगता है, धूल भी उड़ती है इस रोड पे बहुत। और खेलों की बात करें तो रॉन्ग डायरेक्शन से भी गाड़ियां घुस जाती है, खेलों वालों का अकेला कोई दोष नहीं है इसमें। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ठेले वाले भी जिम्मेदार हैं। जब मेरी बात हुई इनसे, तो वो बोले कि हम लोग जाम लगने के बाद ठेलों को पीछे कर लेते हैं। तो जागरूक होना पड़ेगा हम सभी को भी, और लोगों से यही पता चला कि कुछ ठेलों वालों से अवैध वसूली भी की जाती है। कैमरामैन तरुण के साथ सागर मिश्रा की रिपोर्ट, जिमसी न्यूज।